उनको जाके बोलो उसके वजीर आजम का बेटा हुसैन नवाज आया। जी सरकार, अभी बोलता हूँ। इसमें इतना क्या सोचना सर? चाय इन्हें दो। जी सर, बाहर वजीर आजम साहब के बेटे हुसैन नवाज साहब आए हैं, उन्हें अंदर भेजूं? बिठाओ उन्हें। जी। अरे बोला क्या? जी बोला, आपको बैठने के लिए कहा है। अरे बैठा ही तो हूँ पिछले 7 घंटे से। तुमने JIT वालों को बताया नहीं कि वजीर आजम का बेटा आया है? सेम टू सेम बोला है जनाब कि वजीर आजम साहब के बेटे हुसैन नवाज साहब तशरीफ लाए हैं, पर उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। अंदर मीटिंग चल रही है सर। कौन बैठा है अंदर? शाहरुख खान बैठा है क्या? एक मिशन की तफ्तीश हो रही है। तो? और आपके लिए कहा है, अगर बैठना है तो बैठे, नहीं तो जाइए। अच्छा, आपके लिए चाय लाऊं? मैं चाय नहीं लस्सी पीता हूँ। ये क्या तमाशा है? 7 घंटे से बिठा के रखा हुआ है, वजीर आजम के बेटे के लिए आपके पास वक्त ही नहीं? इतने बड़े अफसर हो गए तुम? तुम्हारे जैसे अफसरों का रोज मुकद्दर बनाते भी हम हैं और बिगाड़ते भी हम हैं। बस इसके आगे और नहीं बोलेंगे आप। क्या कर लोगे? सरकारी ऑफिसर से बदतमीजी करने के जुर्म में अभी कभी हवालात में डाल देंगे। रिलैक्स, मामूली सी गुनाह में आपको अंदर नहीं करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे कि सुबह बंद किया और शाम को छोड़ दिया। हवालात भेजेंगे आपको जरूर, उम्र भर के लिए। ओ, अच्छा, तो फिर उस घड़ी का इंतजार करना उम्र भर। हम इससे पहले जद्दा फरार हो जाएंगे।